हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मित्रों, लोकसभा के अंदर जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, जो कि अब काफी उम्र दराज हो चुके हैं, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनका जो खून था वो लगातार खौल रहा था और वो प्रधानमंत्री मोदी को और गृहमंत्री अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए बार बार उछल उछल कर, परेशान होकर के, भाव विवल होकर के ये कह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान से लड़ो। यानी कि अगर देखा जाए तो उनके मन में जो पीड़ा है, जो तकलीफ है कि आखिर पाकिस्तान को आज पूछा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जब इस देश में सरकार यूपीए की थी, जिस देश में सरकार जब राहुल की थी, सोनिया की थी, उस वक्त देश में पाकिस्तान की बहुत पूछ हुआ करती थी, क्योंकि पाकिस्तान से एक बार धमकी आती थी और यूपीए की सरकार जो है चुपचाप बैठ जाया करती थी। आतंकवादी आकर के 26/11 का हमला करके मुंबई में नरसंहार किया करते थे और इसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं लेती थी। इस तरह की सरकार जब दिल्ली में कमजोर सरकार चल रही थी तो उस समय जो पाकिस्तान थी उसकी बहुत चलती थी, और तो फारूक अब्दुल्ला भी बहुत खुश रहा करते थे, बहुत प्रसन्न रहा करते थे। लेकिन अब जब सरकार बदल गई है तो फारूक अब्दुल्ला बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में, और भी कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है वो पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते। तो हम तो जो जवाब दिया है वो जवाब तो आगे अमित शाह देंगे, लेकिन जरा पहले एक बार फारूक अब्दुल्ला की दर्द और पीड़ा तकलीफ जरा सुन लीजिए एक बार, कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। मिनिस्टर साहब सुनिए, मिनिस्टर साहब सुनिए, कुछ आदत कीजिए सुनने की आदत कीजिए। आप ये जानते हैं कि किस तरह हमारे मिनिस्टरों को बमों से उड़ाया गया? मैंने उनके जो गोश्त था दरख्तों से उठाया है, कभी सुना आपने? डोंट हेट अस बाय टेलिंग अस टूरिज्म, व्हाट टूरिज्म इज गोइंग इन कश्मीर, व्हाट डेवलपमेंट इज टेकिंग इन कश्मीर। इट इज नॉट टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, इट इज लव दैट यू हैव टू गिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मोहब्बत सीखो, मोहब्बत। याद रखिए वाजपेयी जी ने क्या कहा, सुनिए मेरी बात, सुनिए अपने लीडर की बात सुनिए। वो आए करना में, आए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास और कहने लगे, सुनिए एक मिनट, कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए, आप उसको माने या ना माने, अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते, करो करो, मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं, और कब तक शक करोगे? बात करनी है, मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए, जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे। और मित्रों, इस बयान के बाद फिर अमित शाह की बारी आई। अमित शाह ने लोकसभा में करीब 2 घंटे का पूरा भाषण दिया था और इस भाषण के द्वारा उन्होंने एक रिकॉर्ड तो कायम ही किया, इतना लंबा भाषण दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के मसले पर जवाब भी दिया और उन्होंने यह बताया कि कैसे जो है पाकिस्तान से आज कोई बात नहीं की जाती, पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखने वालों से भी आज कोई बात नहीं की जाती, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा परेशान है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा तकलीफ में है। पीओके को लेकर भी गृहमंत्री अमित शाह पहले ही ये कह चुके हैं कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और जब पीओके और जब हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं तो उसमें पीओके को शामिल मानते हैं। माननीय, मेरा एक निवेदन है, मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो तो बीच में ना बोले, ये बीच में खड़े हो जाते हैं, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको, ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर, नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना,
कश्मीर देखा है ना सबने माननीय गृह मंत्री जी। राजीव बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे आप क्यों खड़े हो बेटे? हाँ मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माननीय इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर, अगर आप चाहें तो इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं और इस बारकोड को आप जो है स्कैन करके आप और चाहें तो हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये 8376862585 ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहें इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी रसीद व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नंबर पर जो है वो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों ही है, आप चाहें तो इस पर भी हमें पेमेंट, इस नंबर पर आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तो देखिए हमारे जो लेख हैं, वीडियो है, या अगर आप उसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जुड़ेंगे? तो देखिए मैंने जो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप देखें तो मेरा जो ट्विटर यानी कि एक्स का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है मेरा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपको लेख और वीडियो भी यहां से मिलते रहेंगे। माननीय लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। माननीय राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। माननीय वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़ों को नहीं था, ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। माननीय वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था, ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग डोमिसाइल नहीं मिलता था। ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान्यवर ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया, मगर पंचायत चुनाव नहीं कराए। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृहमंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4,483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग
डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोल पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई है, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं, 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल, 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहरम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहरम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है, 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके नीचे आपको एक पट्टी दिख रही होगी छोटी सी, उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसको नंबर को सेव कर लीजिएगा, उस पर एक मिस्ड कॉल कर दीजिएगा, तो आपको मेरे लेख मिलेंगे व्हाट्सअप पर। तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।